शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के दिन आप मेरी खुशी कैसे छीन सकते हैं भोलेनाथ? तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। जब तक आप मेरे पति को ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं अपने हाथों में जोत जलाकर प्रार्थना करती रहूंगी। अब या तो आप इनके प्राण लौटाइए या तो मेरे प्राण ले लीजिए। बिटिया को रोक लीजिए काकी, उसका हाथ जल रहा है। रुक जाओ, भरोसा रखो बेटा, भोलेनाथ तुम्हारा सुहाग नहीं छीनेंगे। राधा साहब का शरीर तो एकदम नीला पड़ गया है। पर सुने ना बिटिया की इस कठिन प्रार्थना को देखकर भोलेनाथ का हृदय जरूर पिघलेगा। अचानक मौसम इतना खराब क्यों हो गया? हाँ भाई, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मुखिया जी, मुखिया जी, गांव में बहुत बड़ा अजगर आया है और वो सब लोगों को मार रहा है। क्या?
अजगर मंदिर की तरफ आ रहा है। मंदिर की तरफ? काकी जल्दी चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी सुनैना को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम राजा साहब और सुनैना बिटिया को भी यहाँ से लेकर जाएंगे, आप चलिए यहाँ से। हाँ काकी चलिए। काकी जी हिम्मत करो, काकी चलिए। दीदी दीदी चलो यहाँ से। नहीं, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। सारा बिटिया अपनी नानी को संभालो। नानी चलो चलो। नानी आई, रानी आई। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है। अपना स्वार्थ तुम्हें स्वयं बचाना है। योद्धा हो तुम, उठो लड़ो और जीतो। मार्ग मैं दिखाऊंगी पर उस पर चलना तुम्हें है। तो मुझे मार्ग दिखाओ माँ। शत्रु का संहार करो, ये एक शैतानी अजगर है, इसके विष की थैली से ही तुम्हारे पति की जान बचेगी। इसके विष में भस्म मिलाकर तुम्हें अपने पति के शरीर पर लगाना होगा, पर ये कार्य बहुत कठिन है, इसमें तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। मैं अपनी जान देकर भी अपने पति की जान बचाऊंगी। सुनैना बिटिया, बहुत जहरीला अजगर है, उसके पास मत जाओ। इसके जहर में एक पत्नी के प्रेम से अधिक शक्ति नहीं हो सकती। मैं अपने पति को बचाने के लिए मौत से भी लड़ जाऊंगी। मुखिया जी रुकिए, मौत के मुंह में जा रही है सुनैना बिटिया। रुक जा, मेरे पति तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। भोलेनाथ रक्षा करना। घबराइए नहीं काकी, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे।